रिडक्शन ऑफ सेकंड डिग्री इक्वेशंस थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री वीडियो नंबर 7 वेलकम ऑल ऑफ यू. स्मॉल एफ ऑफ एक्स वाई जेड इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. इस क्रम का ये पांचवा वीडियो है और ये वीडियो पिछले वीडियो के कंटिन्यूएशन में. पिछले वीडियो में सेक्शन सी की चर्चा हम किए थे, एक एग्जाम्पल बताए थे और अब उसी पर बेस्ड दो एग्जाम्पल और. पहला ये एग्जाम्पल 6, प्रूव दैट 4x² - y² - z² + 2yz - 8x - 4y + 8z - 2 = 0 रिप्रेजेंट्स अ हाइपरबोलिक पैराबोलॉइड एंड फाइंड इट्स वर्टेक्स. तो जैसा वर्किंग मेथड है वैसे आगे बढ़िए. कैपिटल एफ 4x² - y² - z² + 2yz - 8x - 4y + 8z - 2 = 0 a = 4 b = -1 c = -1 2fyz यानी f = 1 2gzx g = 0 2hxy h = 0 2ux u = -4 2vy v = -2 2wz w = 4 d = -2 स्मॉल f इज इक्वल टू 4x² - y² - z² + 2yz which is not a perfect square. ठीक है, समझ रहे हैं ना आप. होल स्क्वायर ये थोड़ी है ना, तो इसमें ये नेगेटिव कैसे होगा स्क्वायर का टर्म. तो पहला लक्षण तो ये हो गया, स्मॉल एफ ऑफ एक्स वाई जेड इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर. दूसरा लक्षण होगा, वन डिस्क्रिमिनेटिंग रूट इज जीरो. डिस्क्रिमिनेटिंग रूट्स आर डिटर्मिनेंट ए माइनस लेमडा एच जी एच बी माइनस लेमडा एफ जी एफ सी माइनस लेमडा इक्वल्स टू जीरो. दैट इज 4 - लेमडा एच जीरो है, जी भी जीरो है, बी माइनस लेमडा -1 - लेमडा f1 c - लेमडा -1 - लेमडा इंप्लाइज दैट 4 - लेमडा इंटू दिस इंटू दिस करोगे तो इसका भी माइनस आपस में भिड़ करके प्लस हो जाएगा. 1 + लेमडा होल स्क्वायर - 1 बस सब तो कुछ आएगा ना इक्वल्स टू जीरो. इंप्लाइज दैट 4 - लेमडा इंटू लेमडा स्क्वायर 1 कैंसिल हो जाएगा भैया प्लस 2 लेमडा इक्वल्स टू जीरो. इंप्लाइज दैट लेमडा कॉमन ले लिया तो लेमडा प्लस 2 बचा और इधर 4 - लेमडा है इक्वल्स टू जीरो. इंप्लाइज दैट लेमडा इज इक्वल टू 0, 4 - 2. हाँ, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव हो तो लेमडा 1 को पॉजिटिव लीजिए, लेमडा 2 को नेगेटिव. लक्षण लिख दीजिए, 1 डिस्क्रिमिनेटिंग रूट इज 0. इसके बाद हम एल एम एन निकालेंगे. वैल्यूज ऑफ एल एम एन, इसी से बनता है एक इक्वेशन, दो इक्वेशन, तीन इक्वेशन. लेमडा नहीं लिखने का, ए एल प्लस एच एम प्लस जी एन इक्वल्स टू जीरो, एच एल प्लस बी एम प्लस एफ एन इज इक्वल टू जीरो, जी एल प्लस एफ एम प्लस सी एन इज इक्वल टू जीरो,
दैट इज इन्हीं में से किन्हीं दो को सॉल्व कर रहा है। तो पिछला एग्जांपल बड़ा मज़ेदार था, उसमें पहला दूसरा इक्वेशन आइडेंटिकल हो गया था, तो हमको तीसरे के साथ सॉल्व करना पड़ा। तो यहाँ भी चेक कर लो यार, डेटा हमें सब लिख देना था, मिटा दिया हमने। चलो हम देख के लिख दे रहे हैं, सारा डेटा हमारे पास होना चाहिए ना, ए कितना है, बी कितना है। चलो लिखा जाए यहाँ पर, ए इज इक्वल टू 4, बी इज इक्वल टू माइनस 1, सी इज इक्वल टू माइनस 1, एफ इक्वल टू 1, जी इक्वल टू एच, बोथ इक्वल टू 0, यू इक्वल्स टू माइनस 4, वी इज इक्वल टू माइनस 2, डब्ल्यू इज इक्वल टू 4 और डी इज इक्वल टू माइनस 2। ये सब यहाँ पे हम इकट्ठा कर लेंगे जितना डेटा हमें जरूरत महसूस होगा। दैट इज ए एल यानी कि 4L प्लस एच एम प्लस 0M प्लस जी एन प्लस 0N इक्वल्स टू 0, एच एल 0L प्लस बी एम माइनस एम प्लस एफ एन प्लस एन इक्वल्स टू 0, फिर जी एल 0L प्लस एफ एम प्लस एम प्लस सी एन माइनस एन इज इक्वल टू 0। सॉल्विंग ये दोनों एक जैसे हैं ना, इसमें माइनस से गुणा कर देंगे तो यहाँ तो असर पड़ेगा नहीं, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा। देखो अब की बार ये दोनों एक जैसे हैं, ये दोनों आइडेंटिकल हैं, तो इसको इसको लिया जाए। सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशंस बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड वी हैव एल अपॉन 0 प्लस 0 इक्वल्स टू एम अपॉन 0 माइनस 4 इक्वल्स टू एन अपॉन माइनस 4 माइनस 0 implies that L upon 0 is equal to M upon 1 is equal to N upon 1. मन करे 1-1 कर दो, मन करे -1-1 कर दो, क्या फर्क पड़ता है। लेमडा की वैल्यूज भी डेटा कलेक्शन वाले इलाके में लिख दे भाई, 0, 4, -2, लेमडा इक्वल टू 0, 4, -2। ये देखो नीचे जो संख्याएं लटक रही ना, ये डी आर्स हैं और डी आर्स को डी सी में बदलना आपको आता है। देयरफॉर एल इज इक्वल टू 0, एम इज इक्वल टू -1/√2, एन इज इक्वल टू -1/√2, आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द एक्सिस। नाउ इसके बाद हम एक चेक लगाते हैं, यू एल प्लस वी एम प्लस डब्ल्यू एन, यही होता है ना, एल यू प्लस एम वी प्लस एन डब्ल्यू, के की वैल्यू ये
यू एल प्लस वी एम प्लस डब्ल्यू एन, बिल्कुल ठीक है। इक्वल्स टू यू माइनस फोर इंटू एल माइनस टू इंटू माइनस वन बाई रूट टू डब्ल्यू प्लस फोर इंटू एन माइनस वन बाई रूट टू इक्वल्स टू पॉजिटिव हो गया टू अपान रूट टू माइनस फोर अपान रूट टू इज इक्वल टू माइनस टू अपान रूट टू इज इक्वल टू माइनस रूट टू नॉट इक्वल टू जीरो। के अगर नॉट इक्वल टू जीरो आ गया इसका मतलब जो सरफेस है वो इलिप्टिक पैराबोलोइड होगा या हाइपरबोलिक पैराबोलोइड होगा, दो में से कोई एक होगा। तो लैम्डा वन लैम्डा टू में एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, इसका मतलब ये हाइपरबोलिक पैराबोलोइड होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दीजिए, स्टैंडर्ड फॉर्म लैम्डा वन कैपिटल एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा टू कैपिटल वाई स्क्वायर और प्लस टू के जेड होता है, टू के कैपिटल जेड इक्वल टू जीरो। दैट इज ये लैम्डा वन है ये लैम्डा टू है, निगेटिव वालों को यहां पे रखना चाहिए। फोर एक्स स्क्वायर माइनस टू वाई स्क्वायर प्लस टू इंटू के माइनस रूट टू इंटू कैपिटल जेड इक्वल टू जीरो, टू से डिवाइड कर दिया जाए इम्प्लाइज दैट टू कैपिटल एक्स स्क्वायर माइनस कैपिटल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू रूट टू इंटू कैपिटल जेड विच रिप्रेजेंट्स हाइपरबोलिक पैराबोलोइड। विच रिप्रेजेंट्स के की वैल्यू भी लिख दें हैं माइनस रूट टू, विच रिप्रेजेंट्स हाइपरबोलिक पैराबोलोइड हो गया। इसमें था एंड फाइंड इट्स वर्टेक्स, तो वर्टेक्स के लिए फिर तीन इक्वेशंस हम लोग सॉल्व करते हैं। वो तीन इक्वेशंस कौन से होते हैं चलो उसको सॉल्व किया जाए बहुत आराम से। वो तीन इक्वेशंस थोड़े भारी होते हैं ना, वर्टेक्स ए एक्स प्लस एच वाई प्लस ए एच जी जी जेड प्लस यू इज इक्वल टू एल के, यस। फिर वही एच बी एफ एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ जेड प्लस वी इज इक्वल टू एम के, और तीसरा होता है के इंटू एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड प्लस यू एक्स प्लस वी वाई प्लस डब्ल्यू जेड प्लस डी इक्वल्स टू जीरो, अर्थात ये तीन है इनको सॉल्व करके एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लो। सारा डेटा ऊपर लिखा हुआ बेटा, ए एक्स मैंने फोर एक्स प्लस एच वाई हटाइए नहीं लिखना प्लस जी जेड हटाइए प्लस यू यानी कि माइनस फोर इज इक्वल टू एल, एल कहाँ है भाई, हाँ एल एम एन ये है इसको भी यहाँ लिख दिया जाए, एल इज इक्वल टू जीरो एम इज इक्वल टू माइनस वन बाई रूट टू और n इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन रूट टू, इसे भी दिमाग में
एल जीरो है तो ये जीरो हो गया कामा एच एक्स खत्म, बी वाई यानी कि माइनस वाई प्लस एफ जेड प्लस जेड इसको एक बार और चेक कर लो, ए एक्स फोर एक्स एच वाई नो जी जेड नो प्लस यू माइनस फोर ठीक है, एच एक्स जीरो बी वाई माइनस वाई प्लस एफ जेड प्लस वी माइनस टू इज इक्वल टू एम माइनस वन बाई रूट टू इंटू के, के कहाँ गया, के माइनस रूट टू ऐसे भी लिखो कहीं, के इज इक्वल टू माइनस रूट टू, माइनस रूट टू इज इक्वल टू वन, फिर के माइनस रूट टू इंटू एल एक्स जीरो एक्स एम वाई माइनस वन अपान रूट टू इंटू वाई माइनस वन अपान रूट टू इंटू जेड प्लस यू एक्स माइनस फोर एक्स प्लस वी वाई माइनस टू वाई प्लस डब्ल्यू जेड प्लस फोर जेड प्लस डी माइनस टू इज इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज दैट एक्स इक्वल टू वन सीधा सीधा आ गया, हाँ और ये माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू माइनस टू उधर जाएगा प्लस टू हो जाएगा थ्री, इधर ये तो जीरो हो गया, इस माइनस रूट टू को लेके अंदर आओ प्लस वाई फिर प्लस जेड माइनस फोर एक्स माइनस टू वाई प्लस फोर जेड माइनस टू इज इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज दैट एक्स इक्वल्स टू वन माइनस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू थ्री, ये दोनों मिलके हो गए माइनस वाई, ये हो गया ये हो गया, फिर ये दोनों मिलके हो गया प्लस फाइव जेड, एक्स की जगह जब हम वन रख देंगे तो ये माइनस फोर हो गया, ये माइनस फोर हो गया और माइनस टू हो गया माइनस सिक्स उधर जाके हो गया सिक्स, इम्प्लाइज दैट एक्स इक्वल्स टू वन इसमें से इसको घटा दिया जाए तो दिस माइनस दिस जीरो हो गया, जेड माइनस फाइव जेड माइनस फोर जेड हो गया इज इक्वल टू थ्री माइनस सिक्स माइनस थ्री, ये जेड की वैल्यू दे देगा और वाई की वैल्यू के लिए कोई एक लिख लो, इसे ही लिख लो y उधर कर दो y इज इक्वल टू z माइनस थ्री, इम्प्लाइज दैट x इक्वल्स टू वन माइनस माइनस कैंसिल हो गया z इज इक्वल टू थ्री बाई फोर एंड y इज इक्वल टू थ्री बाई फोर माइनस थ्री इज इक्वल टू माइनस नाइन बाई फोर, देयर फोर वन थ्री बाई फोर माइनस नाइन नाइन बाई फोर इज द वर्टेक्स, एक्स इक्वल टू फोर तो सीधा सीधा है बेटा, जेड में से वाई घटाएंगे दिस माइनस दिस करेंगे तो आ जाएगा माइनस थ्री, दिस माइनस दिस करने से माइनस थ्री आएगा तो ये गलत आ रहा है ना, जेड माइनस वाई इक्वल टू थ्री आना चाहिए तो जेड माइनस वाई करेंगे तो माइनस थ्री आ जा रहा है, कहाँ गड़बड़ हो गया देखो देखो कुछ गड़बड़ हो गया, एक्स इक्वल टू वन माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू थ्री और ये हो गया माइनस वाई प्लस फाइव जेड इक्वल्स टू सिक्स, ये ठीक है ये घटाया गया था ना, चलो इसमें से इसको घटा लो तो ये जीरो हो गया, फाइव जेड माइनस जेड फोर जेड इक्वल्स टू थ्री, हाँ ये देखो यहाँ लिखने में गलती हो गई ना, दर्द तेरे की
हम भी करें, क्यों गलती हो रहा है इतना छोटी। y इक्वल टू माइनस 9/4 और z इक्वल टू 3/4। अब चेक करो, z माइनस y 3 आना चाहिए, दिस माइनस दिस करेंगे 3 आएगा, ठीक है। और इसे भी चेक कर लो, 5z में से y घटाने से 6 आएगा, 5z माने 15 by 4 प्लस 9/4 6 आएगा, ठीक है। आइए अगला एग्जाम्पल उठाएं। नेक्स्ट, एग्जाम्पल नंबर 7। प्रूव दैट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस yz माइनस zx माइनस xy माइनस 3x माइनस 6y माइनस 9z प्लस 21 इक्वल्स टू 0 रिप्रेजेंट्स अ पैराबोलॉइड ऑफ रिवोल्यूशन represents a paraboloid of revolution, surface of revolution तब हम कहते हैं जब lambda के दो values बराबर हों। Find the coordinates of the focus। फोकस का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम इस कंसेप्ट का इस्तेमाल करते हैं कि फोकस वो पॉइंट है जो एक्सिस पर स्थित होता है और वर्टेक्स से एल बाई फोर डिस्टेंस पर होता है। इसका मतलब वर्टेक्स भी चाहिए, एक्सिस भी चाहिए और फोकस तो कहीं रहा है निकालने के लिए। इसका मतलब इस क्वेश्चन में सारे डेटा आपको निकालने हैं। समय काफ़ी हो चुका है इसलिए थोड़ा हम शॉर्टकट मारेंगे, कुछ कैलकुलेशन आप खुद कर लीजिएगा। कैपिटल एफ इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स माइनस एक्स वाई माइनस 3x माइनस 6y माइनस 9z प्लस 21 इज इक्वल टू 0। ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी आल इक्वल टू 1। एफ इक्वल टू जी इक्वल टू एच आल इक्वल टू माइनस 1/2। यू इज इक्वल टू माइनस 3/2। वी इज इक्वल टू माइनस 3। W is equal to minus 9/2, D is equal to 21, small f, x square plus y square plus z square minus yz minus zx minus xy, ये perfect square नहीं है क्योंकि इन तीनों में दो ही negative हो सकते हैं, तीनों negative हो ही नहीं सकता संपूर्ण वर्ग खोलते समय, which is not a perfect square। Discriminating roots, determinant a minus lambda h g h, b minus lambda f g f, c minus lambda is equal to 0, that is a minus lambda 1 माइनस लेमडा एच माइनस 1/2 जी माइनस 1/2 माइनस 1/2 1 माइनस लेमडा माइनस 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1/2 1 माइनस लेमडा इक्वल्स टू 0। अब सीधा सीधा आप इसको एक्सपेंड कर दो या 1/2 निकाल लो तब एक्सपेंड करो, जैसे भी करो। अब हम डायरेक्ट लिख रहे हैं लेमडा इज इक्वल टू 0 कामा 3/2 कामा 3/2। तो ये लेमडा के दोनों वैल्यूज़
पॉजिटिव हैं, इसलिए इलिप्टिक पैराबोलॉइड के लक्षण बन रहे हैं, और दो नॉन जीरो वैल्यूज आपस में इक्वल हैं, इसलिए इलिप्टिक पैराबोलॉइड ऑफ रिवोल्यूशन के लक्षण बन रहे हैं। इसके बाद हम वैल्यूज ऑफ एलिमेंट निकालेंगे। इसके लिए तीन में से दो इक्वेशन सॉल्व किया जाता है, वो कौन है, ए एल प्लस एच एम प्लस जी एन इक्वल्स टू ज़ीरो, एच एल प्लस बी एम प्लस एफ एन इक्वल्स टू ज़ीरो, जी एल प्लस एफ एम प्लस सी एन इक्वल्स टू ज़ीरो। दैट इज एल माइनस वन बाई टू एम माइनस वन बाई टू एन इक्वल्स टू ज़ीरो, माइनस वन बाई टू एल प्लस एम माइनस वन बाई टू एन इक्वल्स टू ज़ीरो, माइनस वन बाई टू एल माइनस वन बाई टू एम प्लस एन इक्वल्स टू ज़ीरो। इन्हें आप सॉल्व करोगे तो इन्हें नहीं, इसमें से किन्हीं दो को करना है ना, हाँ किन्हीं दो को उठा लो, टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड, टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशंस, वी हैव टू से मल्टीप्लाई भी कर लो, टू एल माइनस एम माइनस एन इक्वल्स टू ज़ीरो, और माइनस एल प्लस टू एम माइनस एन इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है ना भाई, इम्प्लाइज दैट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से सॉल्व करो, एल अपॉन वन प्लस टू थ्री इज इक्वल टू एम अपॉन वन प्लस टू थ्री इज इक्वल टू एन अपॉन फोर माइनस वन थ्री। Implies that L upon 1 is equal to M upon 1 is equal to N upon 1. तो DRs हो गए 1 1 1, DRs हो गए 1 1 1, तो DCs होंगे 1 by root 3, 1 by root 3, 1 by root 3. Therefore, L is equal to M is equal to N, all is equal to 1 by root 3. अब सब डेटा ऊपर लिख लिया जाए, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। A equals to B equals to C is equal to 1, F equal to G equal to H is equal to minus 1.2, U is equal to minus 3 by 2, V is equal to minus 3, W is equal to minus 9 by 2, D is equal to 21, L is equal to M is equal to N, all is equal to 1 upon root 3. यहीं पे लिख दें, एंड सो वन अपॉन रूट थ्री, वन अपॉन रूट थ्री, वन अपॉन रूट थ्री आर द डीसीज ऑफ द एक्सिस। नाउ अब के की वैल्यू निकालेंगे, यू एल प्लस वी एम प्लस डब्ल्यू एन इज इक्वल टू माइनस थ्री बाई टू इंटू वन बाई रूट थ्री, माइनस थ्री इंटू वन बाई रूट थ्री, माइनस थ्री को हम लिख दे रहे सिक्स बाई टू, माइनस सिक्स बाई टू, माइनस नाइन बाई टू इंटू वन बाई रूट थ्री इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन टू रूट थ्री, कॉमन ले लिए टू रूट थ्री, टू रूट थ्री, टू रूट थ्री और माइनस, क्या बचा, थ्री प्लस सिक्स प्लस नाइन बचा, माइनस एटीन अपॉन टू रूट थ्री इज इक्वल टू माइनस नाइन अपॉन रूट थ्री इज इक्वल टू माइनस थ्री रूट थ्री, जो कि जीरो के बराबर नहीं है। के इज इक्वल टू माइनस थ्री रूट थ्री,
इसके बाद फिर स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा जाए, स्टैंडर्ड फॉर्म लेमडा वन कैपिटल एक्स स्क्वायर प्लस लेमडा टू कैपिटल वाई स्क्वायर प्लस टू के जेड इज इक्वल टू जीरो। दैट इज लेमडा की वैल्यूज क्या क्या आई थी वो देखो ऊपर लिखना हम भूल गए, जीरो, थ्री बाई टू, थ्री बाई टू। लेमडा इज इक्वल टू जीरो, थ्री बाई टू, थ्री बाई टू। ये हो गया थ्री बाई टू कैपिटल एक्स स्क्वायर प्लस थ्री बाई टू कैपिटल वाई स्क्वायर प्लस टू इंटू के माइनस थ्री रूट थ्री इंटू जेड इक्वल्स टू जीरो। दो से गुणा करिए इम्प्लाइज दैट, या पहले तीन को उड़ा दीजिए तो जाएगा कैपिटल एक्स स्क्वायर अपान टू प्लस कैपिटल वाई स्क्वायर अपान टू माइनस टू रूट थ्री इंटू कैपिटल जेड इक्वल्स टू जीरो। अब दो से मल्टीप्लाई कर दें, इम्प्लाइज दैट कैपिटल एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर रूट थ्री इंटू जेड, फोर रूट थ्री इंटू जेड। सही है, कॉमा विच रिप्रेजेंट्स इलिप्टिक पैराबोलोवाइड, पैराबोलोवाइड ऑफ रिवोल्यूशन। अब फोकस के लिए हमें एक्सिस का इक्वेशन चाहिए, वर्टेक्स चाहिए पहले ना, तब एक्सिस लिख पाएंगे हम। वर्टेक्स के लिए तीन हैवी हैवी इक्वेशन सॉल्व करते हैं, ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी जेड प्लस यू इज इक्वल टू एल के, ए एच जी, फिर एच बी एफ, एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ जेड प्लस वी इज इक्वल टू एम के, ए एच जी, जी एक्स प्लस एफ वाई प्लस सी जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू एन के। ये दैट इज ए एक्स माने एक्स माइनस वन बाई टू वाई माइनस वन बाई टू जेड माइनस थ्री बाई टू इज इक्वल टू एल एल। अरे भाई ये लिखते समय गड़बड़ी हो गई, वन बाई रूट थ्री एल हो गया और के है माइनस थ्री रूट थ्री इज इक्वल टू माइनस थ्री। फिर माइनस वन बाई टू एक्स प्लस वाई माइनस वन बाई टू जेड माइनस थ्री इज इक्वल टू एम के, तो एम भी वही है, एल एम एन तीनों बराबर हैं, के भी वही है, तो फिर माइनस थ्री। और ये गलत लिख दिया हमें, ये तो हैवी वाला होता है ना तीसर का, ये होता है के इंटू एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड प्लस यू एक्स प्लस वी वाई प्लस डब्ल्यू जेड प्लस डी इक्वल्स टू जीरो, तीसरा ये होता बेटा। के इंटू एल एक्स, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो रखो के का मतलब माइनस थ्री रूट थ्री इंटू एल एक्स, यानी कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन रूट थ्री, क्योंकि एल एम एन तीनों बराबर है, प्लस यू एक्स माइनस थ्री बाई टू इंटू एक्स प्लस वी वाई माइनस थ्री वाई प्लस डब्ल्यू जेड माइनस नाइन बाई टू इंटू जेड प्लस डी प्लस ट्वेंटी वन इज इक्वल टू जीरो। ठीक, इसमें दो से गुणा करिए, इम्प्लाइज दैट टू एक्स माइनस वाई माइनस जेड माइनस थ्री इज इक्वल टू माइनस सिक्स, कामा इसमें भी दो से गुणा करिए, माइनस एक्स प्लस टू वाई
माइनस जेड ये कैंसिल हो गया, इक्वल्स टू ज़ीरो, ये रूट थ्री यहीं कहीं कैंसिल हो गया। और क्या करें, दो से गुणा करें, दो से गुणा करो बेटा तो ये हो जाएगा माइनस सिक्स इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, माइनस थ्री एक्स माइनस सिक्स वाई माइनस नाइन जेड प्लस 42 इज इक्वल टू ज़ीरो। implies that 2x minus y minus z is equal to minus 3, numbering डाल दीजिए 1, minus x plus 2y minus z equal to 0, number 2, और इसे देखो minus 6x minus 3x तो ये हो गया minus 9x, फिर minus 6 minus 6 minus 12y minus 6 minus 9 माइनस 15 जेड, हाँ, और इक्वल टू माइनस 42, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस, तीन से काट दिया जाए, 3x प्लस 4y प्लस 5z इज इक्वल टू 14, नंबर तीन। 2x माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू माइनस 3, माइनस एक्स प्लस 2y माइनस जेड इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y प्लस 5z इक्वल टू 14, बिल्कुल ठीक है। इन्हें आप सॉल्व करोगे तो आएगा x इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1, z इक्वल टू 2, देयर फोर 012 इज द वर्टेक्स। हाँ, थोड़ा जल्दी के लिए हम कुछ चीज़ों को डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, और ऐसा कुछ है नहीं इसमें जो आपको सिखाया जाए, इज द वर्टेक्स। इक्वेशन ऑफ एक्सिस, एक्सिस वो लाइन है जो वर्टेक्स से होकर जाती है और जिसके डीसीज आपको मालूम है। वर्टेक्स, वर्टेक्स निकला 012, तो एक्स माइनस जीरो अपॉन इज इक्वल टू वाई माइनस वन अपॉन इज इक्वल टू जेड माइनस टू अपॉन अपॉन जो डी सीज आए थे वो ना लिख के डी आर्स लिख दो, 1 1 1 हो गया। अब फोकस की बात है, फोकस एक्सिस पर स्थित वो पॉइंट है जो वर्टेक्स से L by 4 दूरी पर होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोग लिखे थे कि नहीं लिखे थे, मिट गया, उसको एक बार उतार लिया जाए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कैपिटल एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल वाई स्क्वायर इक्वल टू 4√3 इंटू कैपिटल जेड। फोकस, अब इस पर जनरल पॉइंट लीजिए, एनी पॉइंट, इसकी नंबरिंग कर दो 4, एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस 4 इज इक्वल्स टू कैपिटल आर मान लिया जाता है तो जाएगा आर आर प्लस 1 आर प्लस 2 आर आर प्लस 1 आर प्लस 2, माना यही फोकस है, लेट इट बी फोकस, लेट इट बी फोकस, देन इट्स डिस्टेंस, its distance from the vertex, from the vertex, vertex कौन है भाई, 012 is L by 4, और ये जो L by 4 में L है ना, ये L वो डिसीज वाला L नहीं है, ये लेटस रेक्टम वाला L है, ये इसको चाहो तो ऐसे लिख दो, that is x square plus y square equal to LZ, ये L है, या तो चाहो तो इसको L डैश जेड कर दो, L डैश जेड कर दो, तो यहाँ L डैश बाई 4 कर दो। हाँ, सावधानी बरतनी है, ये लेटस रेक्टम वाला है ना L, दस वी हैव इस पॉइंट की दूरी इससे निकालनी है, तो ये हो गया अंडर रूट आर माइनस जीरो होल स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस आर प्लस 2 माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो ये तो है, आर माइनस जीरो आर प्लस 1 माइनस 1 आर प्लस 2 माइनस 2 इज इक्वल टू
एल डैश बाई फोर, और एल डैश कितना है, फोर रूट थ्री, ये हो गया फोर रूट थ्री बाई फोर, इम्प्लाइज दैट अंडर रूट थ्री आर स्क्वायर इज इक्वल टू फोर रूट थ्री अपॉन फोर, इम्प्लाइज दैट आर रूट थ्री इज इक्वल टू फोर, फोर कैंसिल हो गया दादा, केवल रूट थ्री लिखो, ए रूट थ्री, दिस इम्प्लाइज दैट आर इज इक्वल टू वन। तो ये जो पॉइंट है आपने इसी को तो कहा था कि माना यही फोकस है, तो इसमें आर की ये वैल्यू रख दे, देयर फोर एक्चुअल कोऑर्डिनेट्स, एक्चुअल कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस आर, आर बराबर वन रखना है ना, तो जाएगा वन टू थ्री। वीडियो को लाइक करिए, चैनल यदि आपने अभी तक ना सब्सक्राइब किया हो जरूर कर दीजिए, वीडियो साइज थोड़ी बड़ी हो गई, 40 मिनट हो गया, थैंक यू वेरी मच, बातचीत जारी रहेगी।